हम सारे बच्चे लंच के लिए डाइनिंग टेबल तक चलेंगे। इससे अच्छा तो हम स्कूल में ही होते। 1-3 फॉरवर्ड मार्च। चंदू, ये फोटो किसकी हो सकती है? 110 अभी से आपने बात की तो आपको इसके लिए निगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे, समझ गए? फॉलो मी, लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 स्टॉप अटेंशन। जब तक कमांड न मिले तब तक कोई कुर्सी पे नहीं बैठेगा। सारे लोग पोजीशन संभाले। अब सारे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने कहा ना, बिना कमांड के कोई कुछ नहीं करेगा, कोई प्लेट्स को हाथ नहीं लगाएगा। कैप्टन सर नंबर 1 आ रहे हैं। अभी सारे बच्चे प्लेट्स सीधा करेंगे, प्लेट्स सीधा कर। संजू, थोड़े पागल नहीं लगते? थोड़े, मुझे तो पूरे लगते। अरे अपना अपना खाना लो और खाना शुरू करो। संजना, शायद 112 तेरा ही नंबर है। यस कैप्टन सर नंबर 1। खाने का एक भी दाना प्लेट से बाहर नहीं गिरना चाहिए। सॉरी कैप्टन सर नंबर 1। खड़ा नहीं होगा। जब डिश सामने आएगी तभी उस डिश को लो। ये डाइनिंग टेबल के रूल्स है यहाँ के। जब तक खाना सबको सर्व नहीं हो जाता है तब तक कोई भी खाना खाएगा नहीं। इतना भी नहीं सिखाया गया तुमको? कोई भी खाना हाथ से नहीं खाएगा, सिर्फ छुरी कांटे से, वो भी ऐसे। तोड़ने की कोशिश की तो उसको खाना नहीं मिलेगा। चुपचाप खाना खाओ। अब चुपचाप खाना खाना होगा। खाना खा। लंच के बाद रेस्ट पीरियड। संजू के जाने से शांति तो मिली पर ना जाने क्यों ये शांति भी अच्छी नहीं लग रही है। संजू का शोर, उसकी शैतानी, उसकी मस्ती की आदत पड़ चुकी है। मी आत्मदे येऊ काय? अरे आइए ना शरद भाई सर, बैठिए। नमस्कार भाभी। नमस्कार। क्या बात है भाभी, वो टेंशन में लग रहे ले? कुछ नहीं, बस संजू की याद आ रही थी। अच्छा भाई साहब, आपको भी तो ऋतु और जगू के बिना घर बहुत खाली खाली लगता होगा ना? अरे भाभी क्या बताए, बच्चे लोग के बगैर तो अक्का घर खाली हो गया है। अरे अपन आपको ये बताने को आया कि अपन के पास 4 टिकट आई, वो फिल्म लगी ना साथिया,
तो अपुन ने एक प्लान बनाया कि आप भाई साहब मी आणि माझी बायको अगर शाम को पिक्चर देखने को चले तो अपन सब लोग का टाइम पास हो जाएगा। हाँ वैसे टाइम पास तो अच्छा है। तुम्हें नक्की समझो। ठीक है। मैंने तो अच्छा है। फ्रेंड हूँ। अरे तुम बाहर चलो ना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। नहीं मैं नहीं जा सकती। ओहो चलो तो, मेरे दोस्त बहुत अच्छे, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलो ना। नहीं मैं नहीं चल सकती और ना ही खेल सकती हूँ। तुम अकेले, आई मीन तुम बोर नहीं होती? तुम सारा दिन टाइम कैसे पास करती हो? बस कुछ करना नहीं चाहती? मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ पर मेरे पास पेंस और कलर पेंसिल्स नहीं है, सब खत्म हो गए। तुम ड्राइंग करती हो? ग्रेट, मुझे दिखाओगी? हाँ बैठो। ये कितना अच्छा है, ये तुमने किया है? इट्स ब्यूटीफुल। वाकई में तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। मैं तुम्हारे ड्राइंग के मटेरियल लेकर आती हूँ। ओके ऋतु। हाँ तुम मुझसे मेरी ये बात किसी को मत बताना। ओके मैं अपने फ्रेंड्स के अलावा ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन डोंट वरी, मेरे फ्रेंड्स इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। ओके बाय। रेस्ट पीरियड, इतना टेंशन में नींद भी नहीं आती। हमारे पेरेंट्स तो मजे से सो रहे होंगे। मैं तो अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि वो मुझे यहाँ से लेके चले जाए। कोई फायदा नहीं है चंदू, हमारे पेरेंट्स तो चाहते नहीं है कि हम वापस घर लौट आए। वैसे भी हम लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, इसलिए सब कुछ हमें ही झेलना पड़ता है। हमारे बारे में हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ बैठे बैठे बोर होते रहे? हमारी सब बातें सुन रहा है। अरे तो सुनने देना। चंदू अब हम लोग भी सो जाते हैं। वैसे भी हम लोग दिन में तो कोई मस्ती कर ही नहीं सकते, अब हमें जो भी करना है रात में करना है। यस संजय इज राइट, अब हमें सोना चाहिए। संजना ये जगह कितनी अजीब है यार। हाँ
और यहाँ के लोग भी कितने अजीब है, वो 303 हमेशा गिरते रहता है। हाँ, और वो कैप्टन कभी ठीक से बात तो करता ही नहीं है, हमेशा चिल्लाता रहता है। मुझे तो सबसे अजीब हमारा यूनिफॉर्म लगता है और नंबर लेबल। घर की बहुत याद आ रही है ना? हाँ यार, सच में घर की बहुत याद आती है। संजू से मिलकर कुछ बात करें? That's a cool idea. ए, तुम लोग अपनी कमेंट्री बंद करो और जल्दी से सो जाओ। संजना, हम लोग सोने का नाटक करते हैं और जब ये लोग सो जाएंगे ना, तब हम चुप कैसे निकल जाएंगे? ओके, चल। तो चल चल सो जाते। अभी तक जाग रही है उल्लू की तरह। छोड़ यार, हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग चलते हैं। चल चल चल। ए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुमसे मतलब? यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, कौन रुकेगा हमें? चल संजना। चल। अरे अंजलि, रोको उन्हें, वो लोग रूल्स तोड़कर जा रहे हैं। मैं क्यों उन्हें रोकूं? वो रूल्स तोड़ के जा रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, चलो जाके तो देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जाने वाली कहीं, तू जाके देख। तो बैठी रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, हमें यहाँ भेज दिया और खुद वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है चंदू, हमेशा यूनिफॉर्म पहने रहो और यहाँ पे तो नंबर क्लासेस भी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये सब जेल में भी होता होगा। हाय गाइस, हाय गाइस। हम लोग बहुत बोर हो रहे थे। तो हम लोग क्या है, पार्टी मना रहे थे। मैं तो यहाँ इतना बोर हो रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ग्रेट आइडिया, हम यहाँ से भाग जाएंगे। यस, धीरे बोलो, ये तो सुन लेगा। रात को लाइट्स ऑफ होते ही हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग भागेंगे कैसे? रात को बहुत अंधेरा होगा और हमें तो रास्ता भी नहीं पता है। हाँ, उसकी सब अरेंजमेंट मैं करूँगा, पर शाम तक तुम लोग सब रेडी हो जाना। ओके। और हाँ, सबसे पहले हमें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। हाँ, और फिर गेट के बाहर। अरे बुद्धू, गेट को तो ताला लगा हुआ होगा ना, हमें तो इस कंपाउंड के वॉल पर चढ़ के जंप मार के उस साइड जाना होगा। अच्छा, अभी तुम लोग अपने अपने रूम्स में जाओ और हाँ, आज रात को हमें यहाँ से भागना है। ओके, अब हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम लोग रूम में जाते हैं। ओके हाँ। ओके, तो आज रात को हमारा मिशन शुरू होगा, कैप्टन बख्शी के जेल से भागो। यस। जरा सोच संजू, जब कैप्टन और 303 को पता चलेगा हम यहाँ से भाग चुके हैं, तो बेचारे और भी पागल हो जाए, क्या मजा आएगा ना हम लोग। क्या हो रहा है? कुछ हुआ नहीं, अभी होने वाला है। क्या होने वाला है, मुझे भी बताओ ना। ये बात तेरे लिए नहीं है, बेचारे कैप्टन। We'll be right back.
पुत्री आप कहाँ सोते हो? अपने रूम में, कोई गड़बड़ नहीं। मैं सोता कम हूँ, जागता ज्यादा हूँ, पूरे एरिया पे नजर रखता हूँ। वो कैसे सोती नहीं उठती? राउंड अप मार के, पहला राउंड 9:30 बजे और दूसरा राउंड 11:30 बजे। सो तो आप सोते कब हो? ठीक 12 बजे। भागने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मुझसे बच के कहाँ जाओगे? ठीक है, हम लोग भागकर जा रहे हैं। तो डरपोक कहीं गए? ए, हम लोग डरपोक नहीं है। हाँ, तभी तो डरपोकों की तरह भाग रहे हो। अब तुम्हारी टीम डर के भाग रही है चैम, इसका मतलब हमारी टीम जीत गई। ठीक है, तो तू यहाँ बैठकर अपने टीम के साथ अपनी जीत की खुशियां मना, हम तो चले अपने घर। हाँ, चलो चलो। अरे ऐसे कैसे भाग जाओगे? मैं भी जाके कैप्टन और ट्रिनिटी को बता दूंगा, फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी धुलाई करेंगे, तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। बंद कमरे में तुम लोग को मारेंगे। जब तक तू मुझे बता नहीं जाएगा ना, तब तक हम अपने घर पहुंच गएंगे। ओके, तो फिर मैं यहाँ से ही चीख चीख के उन्हें बुलाऊंगा, वो लोग अभी भी जाग रहे होंगे, वो लोग यहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे। बच्चू निकल गई ना हवा, पहले तो कह रहे थे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अगर इतना ही दम है तो भाग क्यों रहे हो? ठीक है, तो हम नहीं भाग रहे, हम यही रुक रहे। संजू, हाँ, हमें इसे दिखाने की जरूरत है कि हम क्या है। ओके चैम, वी आर रेडी, और हम यहाँ रुककर एंजॉय भी करेंगे और तुम लोगों को हरा कर भी रहेंगे। मुझे हराना तेरे जैसे बच्चों का खेल नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। अच्छा, तो ये भी मेरा चैलेंज है कि मैं तुझे हरा करूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।